अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 5 जून 2023 और मैं मौजूद हूँ लाहौर के बहुत ही प्यारे खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले एक रेल फ़ैन होने के नाते हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो एक अफसोसनाक ट्रेन हादसा हुआ, हम उसकी इजहार ताज़िर करते हैं लवाकिन के साथ और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग इस ट्रेन हादसा में जिनकी जानी गई हैं, अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे और जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको सेहत याबी दे। तो दोस्तों, ये थे हमारे जज्बात एक रेल फ़ैन होने के नाते जिनका इजहार हमने किया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान रेलवे ने अपनी जो बंद ट्रेन थी उसको बहाल करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे ने शालीमार एक्सप्रेस को भी बहाल किया और 1 जून को बहाउद्दीन ज़करिया भी बहाल हो चुकी है और इसके साथ 1 जून को ही पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी अपग्रेड कर दिया गया है और उसकी वीडियो भी मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया गया है। तो जो अपडेट थी वो ये थी कि इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बाकी अभी टाइम हुआ है 5:45 और अभी हम आपको 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस का कैप्चर भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे एक छोटा सा रिव्यू इस्लामाबाद एक्सप्रेस का भी हम आपको दिखाएं। जी तो दोस्तों, आज 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लीड पर है, GEU 24/7 आज इस्लामाबाद एक्सप्रेस को लीड करेगा। जी तो दोस्तों, खुशकिस्मती से आप कह लें कि मैं इधर वीडियो बनाने आया था, तो मेरी खुश नसीबी कि हमारे ट्रेन लीजेंड जिनको हम फॉलो करते हैं और जिनसे हम सीखते हैं उनको देखकर वीडियो बनाते हैं छोटी मोटी, तो फहीम भाई हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं कि फहीम भाई आज लाहौर में आए हैं तो उनका जो शेड्यूल है वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, तो बाकी हम दूसरा डिस्कस। जी फहीम भाई, थोड़ा सा बता दें। बहुत शुक्रिया जहाँ देव, आपने हमें यहाँ पे पहचाना और बात कर रहे हैं हम। तो रेल का कंटेंट आज, जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल डेड था, तो हमने और बाकी हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने मेहनत करके, आप जैसे और काफ़ी लोग भी नए आ रहे हैं, तो पाकिस्तान रेलवे कंटेंट को दुनिया में दिखाना शुरू किया। हमारी रेल जैसी भी है पर वो हमारी है, तो इंशाल्लाह आज अगर वो थोड़ा सा दरमियाने दर्जे पे है तो आने वाले दिनों में ऊपर भी जाएगी। तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं 29 तारीख को निकला था इस्लामाबाद से और हमें DS रेलवे मुल्तान जनाब हमाद मिर्ज़ा साहब ने बुलवाया था, क्योंकि 26 डाउन जो है वो रिस्टोर हो रही थी 1 जून को। तो मुल्तान हम गए और मुल्तान उसको कवर किया, मुल्तान से फिर हम भावलपुर तक गए, बाकी हमारे दोस्त भी थे उसमें, सुफियान, बिलाल, उसके अलावा खालिद साहब आए हुए थे वहाँ पे और दीगर काफ़ी लोग, और वहाँ से फिर हमने जो है मुल्तान में मैंने कुछ कवरेजेस की, शेरशाह, इसके अलावा पीरा गायब, फिर 2 दिन वहाँ ठहर के मैं वापस आया हूँ और फिर कल मैं गया हुआ था रिनाला खुर्द अख्तराबाद, वहाँ पे स्पीड वीक हमने कवर किया और आज मेरी वापसी है। तकरीबन 8 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ। जी तो दोस्तों, ये देखिए 8 दिन हो गए फहीम भाई को घर से निकले हुए, तो वो माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान रेलवे को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इसी तरह इस्तकामत दे कि फहीम भाई इस रेलवे को जो है वो अच्छी तरह जो है प्रमोट करें। तो एक फहीम भाई, एक जो बात हमने करनी थी कि अभी 3 दिन पहले जो हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ज़ाती तौर पे मुझे बहुत दुख हुआ है जी, उसमें बहुत ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो गई हैं और हमारा हमसाया मुल्क है पर रेल जो है वो सांझी है और जानें सबकी अजीज़ हैं। तो रेल के अंदर हादसात अक्सर हो जाते हैं, देखना ही होता है कि गलती किस चीज़ की और आने वाले दिनों में उस गलती को जो है सुधारा जाए। तो काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन थी, 130 किलोमीटर पे वो ट्रैवल कर रही थी और गलती से या क्या कह सकते हैं बदकिस्मती से जो कांटा था वो गलत बना हुआ था, तो जिससे एक हाई स्पीड रेल जो है वो लूप लाइन पे खड़ी हुई ट्रेन के ऊपर जाके चढ़ दौड़ी और उसी दौरान अपोजिट साइड से एक और ट्रेन आ रही थी जो उस मलबे के साथ टकराई, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। तो हम सब जो पाकिस्तानी हैं स्पेशली रेल फैन इस हादसे पर काफ़ी गमजदा हैं इस पर। जी दोस्तों, फहीम भाई कह रहे थे कि चाहे वो जान इधर जाए या उधर जाए तो उसका दुख ज़रूर होता है, तो मैं दिल से फहीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि अभी ट्रेन चलने में भी थोड़ा सा वक्त रह गया है और 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस जा रही है फहीम भाई को साथ लेकर। तो फहीम भाई एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया टाइम देने का सर। जी तो दोस्तों, फहीम भाई से भी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और एक जो बात थी वो ये थी कि
107 एक्सप्रेस इस्लामाबाद एक्सप्रेस का अभी रिव्यू नहीं हो सका क्योंकि आज ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस का ज़रूर रिव्यू भी करवाएंगे। तो अभी तकरीबन टाइम हो चुका है लाइव एक्शन का 107 इस्लामाबाद एक्सप्रेस का। तो अभी हम आपको पावरफुल विसल के साथ इस्लामाबाद एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं। जी तो दोस्तों 107 GEU 20 4567 की क़यादत में अपने राइट टाइम से लाहौर से रवाना होती हुई दोस्तों 107 5 इकोनॉमी, 1 AC स्टैंडर्ड, 1 सुपर डिलेक्स और 1 बिजनेस क्लास के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना होती हुई। और ये हमारे बहुत ही प्यारे फहीम भाई अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए। जी तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी तारीफी वीडियो और यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी दुआओं में खुशी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।